सो गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कुछ लोगों से। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपने पापा को आईफोन गिफ्ट करा था। उसके बाद मैं इतना देख रहा हूँ कि लोगों के एक ही मैसेजेस आ रहे हैं, भाई इतना शो ऑफ क्यों करते हो तुम। बट उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने तो अपने पापा के अकाउंट से पैसे दिए हैं तो आपने कैसे गिफ्ट करा। पहली चीज ये कि आप सभी को पता हो कि आईफोन में ऑफर होता है तो सिर्फ HDFC के थ्रू। तो HDFC का कार्ड मेरे पे नहीं है, पापा का है। मैंने क्या करा, HDFC से पूरी EMI बनवाई 6 महीने की, जो कि बिल्कुल 0% पे थी, और उस पर मेरे को 5,000 या 4,000 कैशबैक मिला। और जब वो स्वाइप हुआ तो बस उसमें से 1 रुपया कटा था, ठीक है। और फिर मैं घर आया, मैंने डैडी को गिफ्ट करा, फिर मैंने अपने अकाउंट से डैडी के HDFC के कार्ड में पैसे ट्रांसफर करे जो 70,000 रुपए थे, ताकि वो EMI उस पैसे से जाती रहे। जहां तक मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज बतानी नहीं चाहिए, और बताऊंगा तो आप कहेंगे शो ऑफ कर रहा है पैसे का। तो मैंने ये चीज बताया कि मतलब भी क्या बन रहा है इन फालतू की बातों का। बट लोगों ने वो मुद्दा भी उठाया, मुझे समझ नहीं आता क्या है, हो गया भाई, क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज ये कि लोग बोलते हैं भाई शो ऑफ करता है। भाई मेरी एक बात सुनो, मैं आऊं जीरो से, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो मेरे पे प्लेटिना थी और आज सुपर बाइक है। और इनफैक्ट मैं बता दूं, अभी खैर सुपर बाइक का टॉपिक अभी वीडियो के एंड में पता चलेगा। भाई जितनी भी कमाई है मेरी अपनी मेहनत की है। मैं आपको बताता हूं, कोई मोस्टली अब इतने भी यूट्यूबर देखते हो सभी के बिजनेस हैं, कोई जॉब करता है साइड बाय साइड। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, आप सभी को पता है मेरे डैड जॉब करते हैं 9 से 5 की। और मोस्टली मैं घर चलाता हूँ अपना, जो भी अपना घर मैं चलाऊंगा अपना खर्चा भी मैं चलाता हूँ। और यूट्यूब पे जितने भी इन्वेस्टमेंट है, कैमरा हो गया, कार्स हो गई, जितने भी ड्रोन, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी जेब से जाती है गाइस। एक चीज और मैं बता दूं, मैं हूं यूट्यूबर, अगर मैं कोई चीज ला रहा हूं उसको अनबॉक्स करके या उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा भाई। ये तो मेरा हक है, बल्कि मैं कुछ खरीद के ला रहा हूँ और ये जितने भी पैसे हैं ये मैंने आप लोगों के थ्रू ही कमाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भाई, मैं क्यों किसी से डरूं। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर एड आ रहे हैं, वो आप देख रहे हो वीडियो, और उसी से मेरे को कमाई हो रही है। और उस पैसे का मैं कुछ खरीद के ला रहा हूँ और आपको ना दिखाऊं तो बेवकूफ मैं ही हुआ ना यार। बट लोग ये चीज देखते नहीं। अब कल को मैं एक आईफोन खरीद के दिखाता हूं तो लोग कहते हैं शो ऑफ, हद्दी हो गई यार। पता नहीं क्यों लोगों को आपस में जेलेसी, यार मैं भी देखता हूं। मैं जब छोटा था ना, जितने भी पंजाबी सिंगर हैं या जो एक्टर है जीरो से उठा है, कोई अपने मम्मी पापा को कोई घर गिफ्ट कर रहा है, कोई एस क्लास गिफ्ट कर रहा है। मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी ये थिंग है कि मैं मोटिवेट होता हूं कि भाई इस सिंगर ने अपनी मम्मी को एस क्लास गिफ्ट करी, तो फ्यूचर में मैं भी इतनी औकात बनाऊं अपनी कि मैं भी अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट कर पाऊं, मैं मोटिवेट होता हूं। लेकिन आजकल की यूथ पता नहीं कहां जा रही है, वो उन्हें लगता है कि शो ऑफ कर रहा है, ये है वो है, मोटिवेट नहीं होंगे, उल्टा जो कर रहा है अपने माँ बाप के लिए उसको गलत साबित करते हैं। भाई क्या है, क्या करना चाह रहे हो भाई तुम। लोग मेहनत नहीं देखते भाई आपको। स्टार्टिंग से अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, टूटी ऑन द सिटी में धूप में घूमता था मैं, धूप में, बारिश में, हर जगह मेरे पैरों में गांठें पड़ गई हैं। ये देखो, ये देख पा रहे हो, एक ये गांठ है और एक ये गांठ है, ये मोटी आप देख पा रहे हो तो शायद। इसका इलाज कराने का टाइम नहीं है भाई। पैसे ऐसे मैंने मेहनत से कमाया और खुद का पैसा उड़ा रहा हूँ, किसी के बाप का नहीं उड़ा रहा, तो इतना मेरा हक है और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और रही बात सुपर बाइक की, एक्चुअली गाइस मैंने सुपर बाइक बहुत दिन से, मैं एक महीने से ढूंढ रहा था। बट मेरे को जो सुपर बाइक लेनी है 1000 cc या 1000 cc ऊपर लेनी है, और करंट सिचुएशन में ऐसी नई सुपर बाइक है तो आना बंद होगी। जैसे हायाबुसा होगी, 10R होगी, 6R होगी, 6R मेरी फेवरेट है बट डिसकंटिन्यू होगी। अब रहती है बाइक BMW, इतनी मैं लेना नहीं चाह रहा, इतना बजट में बना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे को अभी लेना है घर, जैसे आप सभी को बताया। तो वहां इन्वेस्ट करना बहुत बेवकूफी लग रही है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड हैंड बाइक लूं, लेकिन अच्छी खासी लीटर क्लास सुपर बाइक लूं। तो मैं डीलरों पे जा रहा हूँ, काफी सुपर बाइक सर्च कर रहा हूँ। पहले ये क्लिप देखो कि मैं कैसे कैसे सर्च कर रहा हूँ, कैसे टेस्ट राइड ले रहा हूँ, कौन कौन सी बाइक देख रहा हूँ। तो आज मैं जाऊंगा अपनी सफारी से, क्योंकि काफी 6-7 लोग होते हैं तो सफारी इसलिए ले जाता हूँ। जब भी मैं बाइक देखने आता हूँ तो हमेशा अपना हेलमेट ले आता हूँ टेस्ट राइड लेने के लिए, बिना हेलमेट के मैं टेस्ट राइड नहीं लेता, और फिर अपना कैमरे का बैग। माँ की कसम, जितने की सुपर बाइक नहीं देना, मैंने डीजल फूंक दिया यार। 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ, और 2 महीने से ऑलमोस्ट 30 में से 15 दिन तो मैं बाहर ही होता हूँ, सुपर बाइक की टेस्ट राइड लेता रहता हूँ कि कभी तो सही बाइक मिले। दूर से हमारे आकाश बाबू आते हुए, व्हाट्स अप ब्रो, ऑल गुड? या ब्रो, नाइस कैप, छपरी लग रहे हो बिल्कुल। तो भाई आकाश, मैं तो परेशान हो गया, साले सुपर बाइक हो गई है क्या, आफत बाइक हो गई है। अबे यार कसम से यार। तो अभी हम आ गए हैं जलज भाई के घर, तो ये हमारे साथ ही चलते हैं बाइक देखने। जब भी मैं जाता हूँ तो उनकी बाइक, वो खड़ी 10R, वो भी दिखाऊंगा जो वो आ गए। जलज भाई, क्या हाल है जलज भाई? यार हमेशा की तरह तुम लेट हो यार। देर में फोड़ दिया। ये हमेशा लेट होते हैं यार। 12:30 बजे आना था इन्होंने। ये देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1:22 हो रहे हैं पूरे।
2020 है। ये जो ग्राफिक्स है ये खाली नई वाली टेन आर में आते हैं, पुराने वाली में नहीं आते थे। तो इसमें क्या क्या आइटम लगा रखा आपने? विंडशील्ड लगा दिए, इनलेट्स लगा दिए जिसे डाउन स्पॉइलर कहते हैं, रेन स्लाइडर्स लगे हैं, एग्जॉस्ट लगा है। अभी बाइक गंदी है इसलिए कुछ कहना मत है ना क्योंकि साफ नहीं हुई है। मैं देख रहा हूँ लोगों पे कितना पैसा है भाई, लेके खरीद के छोड़ देना, धूल पड़े भैंस क्या। तो गाइस अभी मैं आया हूँ करोल बाग, ये मेरे सैम भाई, ये मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं। इनका रेफरेंस मेरे को अक्षय ने दिया था और काफी लोगों ने दिया था। तो अभी कौन कौन सी सुपर बाइक है आप पे? सारी सुपर बाइक हैं बेसिकली, मुझे पता है आप भूसा फैन हो तो आप भूसा दिखाते हैं आपको बहुत सारी। एक्चुअली मैं तीन चार बाइकों में इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट एक दो बाइक की मैं टेस्ट राइड लेता हूँ और देखते हैं कि समझ आती है कि नहीं आती। जैसे कि ये गोल्डन वाली, ये मेरा फेवरेट कलर है, और एक रेड वाली है, तो रेड वाली मैंने बाहर निकलवाई और ही उसके टेस्ट राइड लेके आते हैं। चीज़ गाइस क्या है कि बाइक मैं नई ले रहा था, बट ऑलमोस्ट सारी जितनी बढ़िया बाइक है ना सारी नई डिसकंटिन्यू हो गई है कि नहीं। 10R भी हो गई, 6R भी हो गई है, 6 के चक्कर में थोड़ा सा स्टॉक लेट भी आएगा बस, और भूसा भी नई बंद हो गई, बस नई आ रही है BMW में आ रही है कुछ नई उसमें, वो इतना अभी मेरा बजट नहीं है तो मैंने सेकेंड हैंड ही ले लो, अच्छी बाइक है। तो ये कौन सा मॉडल है अभी? 2016 दिल्ली फर्स्ट 2016 मॉडल है। मजा आ गया, फील अलग ही है भूसा की। तो मैंने सारा स्टॉक देख लिया अभी भाई, बाइक तो बड़ी बढ़िया है। थैंक यू। अभी इसकी आस्किंग क्या है, डील इसकी करता हूँ या एक्चुअली मैं तीन चार बाइकें और देख रहा हूँ, बट मैं इनके यहाँ पे पहले इसलिए आया क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा और नो डाउट बाइक बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो इन पे मिलती है कि नहीं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो भाई देखो, जब भी हमें भूख लगती है ना हम देखते नहीं है रेस्टोरेंट है क्या है, बस खाने लग जाते हैं क्योंकि हमें डाउन टू अर्थ। इतनी मैं क्या, ये सारे भाई लोग हैं अपने, तो ये अभी हमने मंगाए छोले भटूरे, समोसा खत्म कर भी दिया है भाई, पतला का वो रहा तू पिछली वीडियो में बड़े कमेंट आए तेरे तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ दूसरी बाइक देखने। अभी ओनर आ रहा है बाइक लेके और मेरे सामने कोरोना पूरा निकला है, ये देखो पूरा सील कर रखी है पूरी बिल्डिंग है, कोरोना पेशेंट निकले हैं भाई जगह से, यहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं। देखो ऐसी सील लगा देते हैं दिल्ली में अगर कोरोना होता तो। कौन सी जगह है? सुभाष नगर। तो अभी गाइस सीन ऐसा, अभी मैं दूसरी एक गुस्सा देख रहा हूँ, काफी अच्छी लग रही है मेरे को, ये ब्लैक कलर मेरा फेवरेट भी है। इसकी एक छोटी सी राइड लेके आते हैं और देखते हैं ये कैसी लग रही है, एक बार चला के देखते हैं। तो अक्षय क्या था राइड लेने, वो आ रहा भाई, क्या लग रही है ब्लैक कलर की। तो गाइस अभी हम आए मोमोज खाने और ये बहुत स्पेशल मोमोज है ये भाई तू इतना क्यों खाता है यार ये देखो, ये है पनीर मोमोज और इसमें पिज्जा की वो डाली है टॉपिंग्स, ओरिगैनो और ये सब तो भाई सब छः प्लेट खा चुके हैं अभी तक, जलद भाई ने 3-4 प्लेट खाई है। तो इसमें भाई ने मोमोज रखे हैं, उसके ऊपर क्रीम भरी हुई है पूरी, ये देखो और जो चटनी है चटनी में भी क्रीम डाली है भाई ने। अब ये देखो उठा के खाता हूँ कैसे, ऐसा लग रहा है पिज्जा और मोमोज को मिक्स कर दिया। सो गाइज अभी एक हॉन्टेड प्लेस में आया हम जिसका नाम है भूली भटियारी, मैं सोच रहा यहाँ पे व्लॉग बनाऊंगा, बट अभी मैं बाहर बाहर से देखने आया हूँ इसकी लोकेशन की कितना बड़ा है। यहाँ पे एक वो होता था, क्या होता था भाई, यहाँ पे होता था एक राजा बहुत पुराने टाइम का रैकेट, और अच्छा, उसकी जो हेड यहाँ पे होती थी जो राजा की बेसिकली टेक रैकेट चलाती थी, हाँ टेक केयर वगैरह करते थे, उसके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है भू अली भाटी, एंड सब लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो इसे कहते हैं भूली भटियारी। और दूसरी चीज ये है यहाँ पे कुछ बहुत सालों पहले यहाँ पे थिएटर होता था, क्या कहते हैं स्टेडियम था पूरा, स्टेडियम वो उसमें आग लगी थी तो काफी लोग मरे थे, तो कोशिश करता हूँ स्टेडियम में दिखा के लाऊं फिर रात को आऊं वहाँ पे व्लॉग बनाने। तो ये देखो रास्ता कैसा है, आवाज सुन रहे हो मोर है, अभी हम अंदर ही अंदर जा रहे हैं, बहुत अंदर आ गए हैं, ये देखो वो भाई आगे तो वो लगा हुआ है क्या कहते हैं रेलवे फाटक, यहाँ गार्ड बैठे हैं जी। अंकल जी, अंकल स्टेडियम कहाँ पे है? स्टेडियम तो यही था, अब ये घड़ी है स्टेडियम क्या दिखेगा,
हम देख लेंगे सुबह। नहीं 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 सुबह आने जाना मना है, रात को आना जाना मना जी। यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ ना कि सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से यहाँ पहले आना मना है, मतलब भूतों का सीन मना है। भूत भूत है क्या यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं सर। देखे तुमने? आपके पैर उल्टे तो नहीं? रात दिन कर रहा हूँ। अच्छा ये रहता हूँ यही झोपड़ी में। अपने पैर दिखाना अंकल, उल्टे तो नहीं है? पैर दिखाओ, उनके तो सीधे हैं जरा। तो अंदर जाने नहीं अलाउड नहीं अभी। अंदर घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। यहाँ तो रास्ता बंद हो रहा है और भाई आगे से उठेंगे कैसे लोग? अंदर खुला है पूरा स्टेडियम सा है भाई कसम से। आगे आगे उठ मैं आपके रात को 2 बजे आया हूँ और भाई हम दोनों यहाँ पे रात को 2 बजे के बाद आए हैं और यहाँ 2 बजे अंदर लाइट जली थी अंदर। अच्छा हाँ, लेकिन अंदर गार्ड था जब हमने देखा था। आकाश भाई क्या पूरा देख रहे हो? आकाश भाई अभी तो अभी हो रहे हैं 8:35 और ये देखो अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। ये है गवर्नमेंट का काम चलता है यहाँ पे कुछ। ये देखो भाई, तो ये स्टेडियम था भाई। लेकिन इतनी अंदर जंगलों के अंदर किसी का ऑफिस कैसे हो सकता है भाई? ऑफिस नहीं है ये, वो ये है राजा की आत्मा। तो यहाँ पे मैं रात को 2 बजे आऊंगा किसी दिन और व्लॉग करेंगे। और अंदर घना जंगल है और अंदर है स्टेडियम। ये स्टेडियम नहीं है मेन, स्टेडियम अंदर है जहाँ से गार्ड बैठे थे ना उसके राइट साइड में, राइट साइड से था। और किसी दिन कूद के चलेंगे, गार्ड आ गया पीछे। भाई देख रहे हो कितना घना जंगल है, दूर दूर तक ना इंसान ना इंसान की जात। जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो मेरी सुपर बाइक की डिलीवरी का आएगा, तो इतने कमेंट में गेस करो कौन सी सुपर बाइक होने वाली। और वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बता रहा हूँ भाई, अब सीरियस हूँ मैं, अब मैं वो व्लॉग जब तक नहीं डालूंगा जब तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं आते। हाँ भाई मैं खुलेआम सब्सक्राइबर मांगूंगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर भी ना बढ़ाऊं तो फिर क्या करूं मैं? तो फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर कराओ नेक्स्ट वीडियो डालने से पहले। अभी मेरे यूट्यूब पे है 31.3 लाख सब्सक्राइबर, मेरे को करवा दो 31.4 लाख सब्सक्राइबर करा दो, तभी मैं सुपर बाइक की वीडियो ड्रॉप करूं, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो फटाफट ये लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और ये बेल दबा के क्या घंटी दबा दो, उससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो वो डालूंगा सुपर बाइक की आप सबसे पहले देख पाओगे। इंस्टाग्राम पे पहले ही रिवील कर चुका हूँ आज, तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, यूजर नेम ये रहा डिस्क्रिप्शन में, लिंक है।